हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने वाले हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये हम देखने की कोशिश करते हैं। इसके चार मेथड हैं जिससे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि इनको नेशनल इनकम कहा जाता है। लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस भी होता है कि एग्जैक्टली ये क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ जीडीपी और एनडीपी की बात करेंगे कि जीडीपी और एनडीपी क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है और इसकी यूजेस क्या होता है। ठीक है, बाकी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, थर्ड एंड फोर्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीडीपी क्या होता है पहले ये देखते हैं। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, आप पहले कीवर्ड्स को जान लीजिए। कीवर्ड्स ये है कि विद इन एन इकोनॉमी। ठीक है, इसका मतलब मैं समझाऊंगा। इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड देन फाइनल सम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस विद इन अन इकोनॉमी। इस मान लीजिए कि इंडिया है, इंडिया क्या है, एक इकोनॉमी है। तो इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं इंडिया का कि इंडिया एक इकोनॉमी है। तो इंडिया के अंदर सपोज ये इंडिया हुआ, यानी कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड को एक साल लिया जाता है। ठीक है, इसको वन ईयर कंसिडर करते हैं, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, जो इंडिया में अप्रैल से लेकर मार्च तक होता है। तो विद इन अ टेरिटरी एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, उन गुड्स और सर्विसेज का फाइनल सम जीडीपी कहलाता है। अब देखिए फाइनल सम क्या होता है। मान लीजिए ये कुछ छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं जो कुछ पार्ट्स बनाते हैं, और मान लीजिए एक बड़ी इंडस्ट्री है जो यू समझ लीजिए ये बाइक बनाती है। ठीक है, ये बाइक बनाती है, तो जो बाइक बनाने वाली इंडस्ट्री है वो सारे के सारे जो ऑटो पार्ट्स होते हैं वो अपने यहाँ नहीं बनाती। हो सकता है ये कोई कंपनी टायर बना रही हो, ठीक है, ये हेडलाइट्स या फिर इसके लाइट्स बना रही हो। ठीक है, ये कुछ लाइक सॉकर या फिर कुछ और अलग चीज़ें बना रही हो। तो ये कंपनी क्या करती है कि इनसे उस प्रोडक्ट को खरीद के अपने यहाँ असेंबल करती है। कोई भी कंपनी, ये कंपनी अपने यहाँ सारे चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं करती, ये दूसरे दूसरे जो कंपनियाँ होती हैं उनसे चीज़ें खरीद के लाती हैं और अपने यहाँ असेंबल करती हैं। तो अब देखिए ये जो टायर्स हैं इनका यूज़ हुआ है इसको बनाने में, यानी कि इन टायर्स का, इन टायर हेडलाइट या फिर सॉकर या जो भी पार्ट्स हैं इनका फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, बाइक हुआ। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है कि बस हम टायर ही दे दें किसी को तो टायर लेके क्या करेगा, कोई इसका यूज़ नहीं है। ठीक है, सॉकर हम बस किसी को पकड़ा दें सॉकर तो क्या करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि कहीं ना कहीं यूज़ होती हैं किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और वो प्रोडक्ट है बाइक। ठीक है, तो बाइक क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, और बाइक का जो प्राइस होगा वो फाइनल प्राइस कहलाएगा, यही है फाइनल सम। इसमें इनका प्राइस ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं जो जिनका यूज़ किया जाता है इस फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है, तो इस जो जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो हम फाइनल सम लेते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, तो फाइनल सम इसका होगा क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट ये बना, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये फाइनल सम का मतलब ये हुआ। तो समझ में आया कि किसी भी इकोनॉमी में एक साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उनका फाइनल सम जीडीपी कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, जीडीपी का यूज हम किस तरीके से करते हैं। एक तो आपने कभी देखा होगा ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट
यूजेस क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रोथ रेट बताने के लिए, ठीक है। ग्रोथ रेट आपने पेपर में देखा होगा, न्यूज़ में देखा होगा कि उसमें बताया जाता है कि जीडीपी इतने परसेंट से इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई इकोनॉमी अभी 2018 में इसकी इकोनॉमी 100 रुपये है, तो अगर हम कहेंगे कि 2019 में ये 106 रुपये हो जाएगा, यानी कि इसमें कितना इंक्रीमेंट होगा, 6% का इंक्रीमेंट होगा। ये 6% क्या होगा, ये ग्रोथ रेट हुआ जीडीपी का, ठीक है। तो ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए भी जीडीपी का यूज़ किया जाता है। अब दूसरी चीज़, ग्रोथ जीडीपी आपका इंटरनल स्ट्रेंथ बताता है, इंटरनल स्ट्रेंथ का मतलब कि किसी भी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए ये कोई इकोनॉमी है, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ इस इकोनॉमी के अंदर में ही होगा, जीडीपी में इकोनॉमी के अंदर में ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ। कि मतलब एक इकोनॉमी हम कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये हमारा स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये हुआ इंटरनल स्ट्रेंथ बताने में। थर्ड चीज, ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है किसका, इकोनॉमिक्स का। क्वांटिटेटिव क्यों, क्योंकि ये बस आपको प्राइस बताएगा, ये बताएगा कि इस इकोनॉमी में प्रोड्यूस किए गए जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनका प्राइस क्या है। ये नहीं बताएगा कि इनकी क्वालिटी कैसी है, यानी कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं बताता। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं बताता, ठीक है। ये सिर्फ प्राइस बताएगा, ये क्वालिटी बाइक अगर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर तो ये सब ये बताएगा कि बाइक का प्राइस क्या है, ये नहीं बताएगा कि बाइक की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो एक चौथी चीज ये भी है कि जो वर्ल्ड बैंक या फिर IMF जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं। तो जब वो इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं तो वो GDP के बेसिस पे करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये क्या करते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं। कंपेरेटिव स्टडी करते हैं किसकी, इकोनॉमी की, ऑन द बेसिस ऑफ GDP कंपेयर करते हैं इकोनॉमी को कि ए इकोनॉमी कितनी रेट से ग्रो करेगी या बी इकोनॉमी कितने रेट से ग्रो करेगी। तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ GDP। तो इसके ये कुछ यूज हुए जो GDP के यूज होते हैं। आई होप कि GDP समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं NDP क्या होता है। NDP मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये देखिए कैसे कैलकुलेशन होता है। NDP होता है GDP माइनस डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको सेल करने के बाद आपको 100 रुपये इनकम हो रही है, ठीक है। 100 रुपये उस प्रोडक्ट को सेल करने के बाद आपको इनकम हो रही है, क्या ये 100 रुपये आपकी इनकम या आपकी प्योर प्रॉफिट है। अब देखिए जो मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं वो कभी ख़राब होती है, मेंटेनेंस में आपको लगाना पड़ता है पैसा, या फिर हर चीज़ की एक लाइफ होती है कि मशीनरी की लाइफ 10 या 15 साल है तो 15 साल बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जो आपको मेंटेनेंस में उसको बनवाने में उसको रिप्लेस करने में जो पैसा लगा, क्या वो आपका प्रॉफिट है, वो आपका प्रॉफिट नहीं है। वो ये जो आपने कमाया हुआ है उसके प्रोडक्ट को बेचने से, इसी प्रोडक्ट में इसी 100 रुपये में से आप उसकी मेंटेनेंस में या फिर उसको रिप्लेस करने में आप पैसा लगाते हैं। तो मान लीजिए उस मशीनरी को खराब हो गई, उसको बनवाने में आपको 5 रुपये लगता है, तो इस 5 रुपये को, ये 5 रुपये क्या है, आपका लॉस है,
कोई चीज़ ख़राब हुई आपको भरवाना है तो ये 5 रुपये आपका लॉस है। तो इस 5 रुपये को 100 में से माइनस करेंगे तो एग्जैक्ट प्रॉफिट जो होगा या फिर आपका इनकम जो होगा वो 95 होगा। ये 5 रुपये डिप्रेशिएशन हुआ, ठीक है, जो मशीनरी की वजह से आपका जो खर्च लगा उसको बनाने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, यही जो क्वांटिटी है ये डिप्रेशिएशन कहलाएगा। तो जब अब ये आपकी जीडीपी है, क्योंकि इतना आपका फाइनल क्वांटिटी जितना आपको बेचने से मिला, तो 100 रुपये मिला जीडीपी, अब इसमें ये डिप्रेशिएशन जो था इसको आपने माइनस कर दिया तो 95 जो मिला ये आपका एनडीपी हुआ, ठीक है। तो एनडीपी क्या है? जीडीपी माइनस डिप्रेशिएशन, और डिप्रेशिएशन क्या होता है ये आपने समझा। अब देखिए इसके यूजेस क्या होते हैं। अब इसके यूजेस क्या होते हैं? पहला यूज होता है कि डिप्रेशिएशन है जो है ये आपका लॉस दिखाता है। अगर आपके यहाँ डिप्रेशिएशन के रेट ज्यादा है, आपकी मशीनरी को मेंटेन करने में ज्यादा पैसा लगता है, इसका मतलब आपका लॉस ज्यादा हो रहा है। तो यानी कि एनडीपी ये भी बताएगा कि आपका लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, लॉस इन इकोनॉमी। डिप्रिशिएशन है तो उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो ये भी बताएगा कि क्या इकोनॉमी में कितना आपका लॉस हुआ। दूसरी चीज ये बताएगा कि अगर आपका डिप्रिशिएशन कम हो रहा है, इसका मतलब आपके यहाँ टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है। पहले मान लीजिए किसी मशीनरी से, मशीनरी को आपको जिसकी लाइफ 10 ईयर्स थी और उसको मेंटेनेंस में आपको 10 रुपये लगते थे साल में, अब वही मशीनरी चेंज होकर दूसरी आ गई जिसकी लाइफ 20 ईयर्स है और उसके मेंटेनेंस में 5 रुपये की जगह आपको 2 रुपये लगता है, इसका मतलब आपका जो डिप्रिशिएशन का लॉस हुआ वो घटा। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ टेक्निकल एडवांसमेंट के कारण, हमने टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट लाया जिसकी वजह से हम अपने डिप्रिशिएशन के रेट को कम कर पाए। तो ये भी बताता है कि किसी भी इकोनॉमी में टेक्निकल एडवांसमेंट या फिर टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितना होता है ये भी बताएगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ये बताएगा। अब देखिए थर्ड यूज क्या होता है, इसको एग्जांपल से समझते हैं हम, कि जो डिप्रिशिएशन होता है ये हर कंट्रीज अपने अपने हिसाब से डिसाइड करती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इंडिया की बात करें, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं, इसमें अगर हम देखें कि कोई हाउस है, ठीक है, कोई हाउस है, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये हाउस 100 सालों में ख़राब हो जाएगा, यानी कि इस हाउस की जो लाइफ है वो कितनी है, वो 100 ईयर्स है, इस हाउस की 100 ईयर लाइफ है, 100 साल के बाद ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका डिप्रिशिएशन रेट क्या हुआ हाउस का? तो हाउस का जो डिप्रिशिएशन रेट हुआ, ये डिप्रिशिएशन और ये रेट, जो डिप्रिशिएशन रेट हुआ ये 1% हुआ। 1% कैसे? ये हर साल 1% खराब होगा तभी ये 100 साल में 100% खराब होगा, यानी कि पूरा खराब होगा, ठीक है। तो कैसे 1% आया ये समझ में आया? तो देखिए ये एक लॉजिकल एनालिसिस होता है कि एक लॉजिक के बेस पर हम डिप्रेशन रेट को डिफाइन करते हैं या फिर गवर्नमेंट डिप्रेशन रेट को तय करती है। तो ये एक लॉजिकल बेस होता है, ये लॉजिकल बेस है कि भाई चलिए 100 ईयर्स में खराब हो गया तो पर ईयर का 1% डिप्रिशिएशन रेट है तो 100 साल में ये खराब हो जाएगा, तो ये एक लॉजिक हुआ। अब कुछ गवर्नमेंट्स क्या करती हैं कि इलॉजिकल भी वो कैलकुलेशन करती हैं डिप्रिशिएशन रेट का। अब यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए कोई बाइक है, गवर्नमेंट ने ये कहा कि इस बाइक की लाइफ या फिर डिप्रिशिएशन रेट 20% है। जब इस बाइक की डिप्रिशिएशन रेट 20% है तो ये कितने सालों में खराब होगी? ये खराब होगी 5 साल में, ठीक है, यानी कि इसका 5 ईयर क्या हुआ, लाइफ है, 5 साल में ये खराब हो जाएगी, 20 × 5 = 200। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये जो 20% है इसको इंक्रीज कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, कह दिया 40%, ठीक है।
अब कहा कि डिप्रिसिएशन रेट 40% है, यानी कि हर साल ये 40% खराब होगा, तब वो कितने सालों में पूरा बाइक खराब हो जाएगी? वो बाइक पूरे 2.5 साल में वो बाइक खराब हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, सेम बाइक की उन्होंने 20 रखा था और सेम बाइक का उन्होंने 40 कर दिया, ऐसा क्यों किया? जब वही बाइक जब 5 साल चल रही है तो वो बाइक 2.5 साल में कैसे खत्म हो जाएगी? ये इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट जब हमें पता है कि हम इसे यूज़ कर रहे हैं और एक जनरल जो थॉट है कि वो 5 साल में ख़राब होगा, तो उसकी 5 साल लाइफ है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 2.5 साल में ख़राब हो जाएगी? आपका लॉजिक क्या है? आपका कोई लॉजिक ही नहीं है। बस आपने बाइक की सेल को बढ़ाने के लिए इसका डिप्रिसिएशन बढ़ा दिया, यानी कि अब लोग समझे कि 2.5 साल में ख़राब हो रही है तो इसका मतलब 2.5 साल के बाद हमें दूसरी बाइक खरीदनी पड़ेगी। यानी कि एक आदमी जो 5 साल के बाद एक बाइक खरीदता था, अब वो 5 साल में 2 बाइक कर देगा। यानी कि इन्होंने बाइक की सेल को बढ़ाने के लिए क्या किया, डिप्रिसिएशन रेट को बढ़ा किया, ये बढ़ा दिया, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। सेम चीज़ जो 5 साल में ख़राब हो रही थी, आप उसको अब कह रहे हैं 2.5 साल में ख़राब हो जाएगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो ये इलॉजिकल बेस है डिप्रिसिएशन रेट को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो देखा कि कोई भी इकोनॉमी किस तरीके से कैलकुलेशन करती है डिप्रिसिएशन रेट का। एक लॉजिकल बेस होता है और एक इलॉजिकल बेस होता है। यानी कि जब इस तरह का डिप्रिसिएशन रेट वो डिफाइन करती है, तो वो तय करती है कि उसकी इकोनॉमिक जो पॉलिसी मेकिंग है वो किस तरीके से काम करेगी। अगर मान लीजिए बाइक अब 40% हो गया, तब ये ज़्यादा बाइक बिकेगी, क्योंकि अब लोग 5 साल में 2 खरीदेंगे। तो जब सेलिंग ज़्यादा होगी तो उनकी GDP बढ़ेगी। यानी कि ये इसका यूज कहाँ हुआ डिप्रिसिएशन रेट का? इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, इसमें भी यूज हुआ ये डिप्रिसिएशन का, या फिर हम आप NDP कह लीजिए। यानी कि इकोनॉमिक जो पॉलिसी मेकिंग हुई, जो पॉलिसी बनाते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें भी हम किस तरीके से डिप्रिसिएशन रेट का यूज कर रहे हैं सेल को बढ़ाने के लिए, और सेल से GDP बढ़ेगी। तो ये थर्ड यूज है इसका। ठीक है, तो मेनली NDP के 3 यूज है। आई होप कि आपको GDP और NDP समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे उसके 3rd और 4th पार्ट के साथ। ठीक है, और फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।